हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव आप लोग का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक टिप्स देने जा रहा हूं टाइपिंग के बारे में, जो कि टाइपिंग वो चीज़ होती है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइपिंग, और इसका इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में है, चाहे वो कोर्ट की नौकरी हो, चाहे बैंक का हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, या आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो टाइपिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ होती है। तो इसलिए टाइपिंग का सबसे पहला चीज़ क्या है कि मतलब कि अगर आपकी स्पीड है या अगर आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में आप कोशिश कीजिए कि मोनिटर पर या मैटर जो टाइप हो रहा है वो चीज़ आप देखिए मत। वो अगर देखने की आदत रह जाएगी तो कभी भी ज़्यादा स्पीड नहीं बन सकती है, और ज़्यादा आप सस्पेंस में पड़े रहेंगे कि मेरा जो शब्द है वो टाइप किया हुआ वो गलत है या सही है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से टाइप करें कि जिससे आपका स्पीड बढ़ता है। जैसा कि आपको पता है कि ये मैं मोनिटर नहीं देखूँगा और वो टाइप कर रहा हूँ, और ये देखना है कि कितना मिस्टेक होता है वो चीज़ देखिए। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कभी भी डिक्टेशन अगर सुन रहे हैं तो वो डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं। कोर्ट की नौकरी लगी, अगर जज साहब लोग अगर बोल रहे हैं कि हाँ अगर डायरेक्ट टाइप करना है तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, कोई भी मैटर हम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, यही आज हम टाइप किए हैं ये पैसेज, और अब देखना है हमको कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। और इसका एक टिप्स भी हम देंगे, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कि कैसे बिना देखे टाइप करने का कैसे हैबिट बनाएं, और ये कीबोर्ड जो होता है वो क्या करने पे, अगर ये देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे लर्नेट लिखे हैं और वो वहाँ पर सही है, और अगर हम लिखे LERNE और जैसे D के जगह P हो गया, ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है, अगर जैसे हम अभी कैच कर लिए कि P है तो बस एक बार बैक स्पेस मारे और यहाँ पे D लिख दिए, और अगर LERNED लिख दिए और अब स्पेस मार दिए हैं और आगे बढ़ चुके हैं,
तो अब ये देखना है, ये तो पता नहीं चलेगा कितना वर्ड पहले क्या गलती हुआ है, तो सीधे कंट्रोल मारिए और एक बैक स्पेस मार दीजिए ताकि वो हट जाएगा, और ताकि फिर उसके बाद हम फिर से लर्नेड लिख सकते हैं। तो इसके और भी टिप्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में देंगे, और अब देखते हैं कि कितना गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है। ऐसे देखा जाए तो इसमें तो हमको तो कुछ लग नहीं रहा है गलती, क्योंकि यहाँ रीजनेबली हो गया है, ये एक गलती यहाँ पर है, और तो फिर कुछ गलती नहीं है। तो दोस्तों यही है, यही टिप्स हम अगले वीडियो में देंगे कि कैसे टाइप करें और अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, और विदाउट मिस्टेक तो बहुत रेयर ही होती है, मतलब 1-2% अगर होती है तो वो ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने घर में रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।